हेलो एंड वेलकम, हे गाइस, दिस इज़ वासिम अकरम हियर। जैसे आप सबको पता ही है, मैं ही हूँ। और आज ऐसे ही थोड़ा निकल आया था घर से टहलने के लिए, इन द सेंस राइड लेने के लिए। और सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, बहुत दिनों से कोई वीडियो आया नहीं मेरा यूट्यूब पे भी। एंड चलिए आज दिखाते कुछ नया, कुछ अलग, ठीक है। और ये नया चीज़ है मेरी गाड़ी। यस, सो हियर इज द Hyundai 1.0 टर्बो। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका टर्बो बैच भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। और नंबर प्लेट हटाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, ये इसका फ्रंटल लुक, क्योंकि मेरे गाड़ी को हर कोई जानता है। और इसके व्हील्स तो देखो, इसके व्हील्स जो है ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, जो बहुत ही यूनिक है। एंड ये इसका रियर व्यू में जो इसका जो ये सी पिलर है ना, ओए होए माशाल्लाह, ये तो बहुत ही स्मूथ है और लाइक पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। और ये इसका रियर व्यू, ये ऑरा का बैजिंग, ये ऑरा का बहुत बड़ा बैजिंग, बड़ा सा लोगो। और ये है इसका साइड प्रोफाइल। हम एक बार इसको इस साइड से भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये इस साइड से भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पॉइलर भी हैं। ये स्पॉइलर वैसे तो फंक्शनल नहीं है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती को एनहेंस कर देता है, ये बोल सकते हो आप। एक बार इसका बूट भी खोल के दिखा देते हैं। ये है हमारे पास चाबी। इस चाबी को अगर आप यहाँ से ऐसे होल्ड करोगे तो ये बूट खुल गया। देखो, यहाँ पे आपको ये चाबी वाबी घुसाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये आप देखो, 402 लीटर का महाबूट मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें तो मतलब ये तो मैंने ये गोबर रखा है गाड़ी का। इसमें काफ़ी सारा स्पेस है यार, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे तो। और नीचे आपका स्पेयर टायर भी मिल जाएगा। ये 14 इंच के हैं ना? हाँ, शायद ये 14 इंच के हैं। वैसे ये ऐसे तो टायर ये 15 इंच के हैं, तो ये हमने बूट बंद कर दिया अभी। तो चलिए पहले गाड़ी के अंदर जाते हैं और जानते हैं इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स। कम सो हियर आई एम इनसाइड द कार। एंड पहले तो एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि मैं कोई ऐड नहीं कर रहा Hyundai की तरफ से, ये बस एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने अब तक 2479 किलोमीटर मैंने चलाया। और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और इस इंजन के साथ, इस टर्बो इंजन के साथ मेरा एक्सपीरियंस और फीचर्स के बारे में जितने भी सारे, मतलब मैं कोशिश करूँगा जो भी हो सके आपको बताने की। सो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस ही बोल सकते हो आप इसको, रिव्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहूँगा इसका डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड जो है ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। और ये देखो, हमारे आसाम के सम्मान गामोछा। और इसका डैशबोर्ड जो है ये काफ़ी प्रीमियम दिखता है। इसका MID, इस MID में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, काफ़ी सारे, जैसे कि कितना फ्यूल है, 152 किलोमीटर चला सकते हैं अभी भी। और ये माइलेज कितना दे रहा है, फिलहाल तो 18 दिखा रहा है, वैसे मैंने क्लेम किया था 24 तक ये क्लेम हो जाता है। और ये आपका एवरेज स्पीड दिखाएगा, ये कितना रन टाइम है ये दिखाएगा, ये ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब कुछ दिखा सकता है। और टेम्परेचर भी दिखाएगा यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे जो आपका ये स्क्रीन है, फिलहाल तो मैंने ये ब्लूटूथ कनेक्शन ऑफ करके रखा है। इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका गियर पैनल, ये गियर शिफ्ट जो है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये आपका हैंड ब्रेक, यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी सारा रहेगा, यहाँ पे आप वाटर वाटर रख सकते हो। और सबसे खूबसूरत बात, इसका जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो आपको नॉर्मल प्लास्टिक बिल्कुल नहीं लगेगा, ये आपका बहुत ही प्रीमियम प्लास्टिक है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये प्लास्टिक है, क्योंकि ये मेटल फिनिश के साथ आता है। और ये
ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और इसमें जो आपका ये जो कंसोल है, ये कंसोल भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। ये काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पे एक बात बताओ, ये एसी जो है ये ऑटोमेटिक वेदर कंट्रोल है, इसमें आप वेदर कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, कितना आपका चाहिए। और हाँ, खास बात इसलिए है कि अगर आप एप्पल या तो सैमसंग के हाई एंड फोन्स, वन प्लस के फ़ोन अगर यूज़ करते हो जिसमें वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटेशन अवेलेबल हैं, तो इस फ़ोन को आप यहाँ पे रखो। ये जो पैड आपको दिख रहा है, ये वायरलेस चार्जिंग पैड है कि फ़ोन ऑटोमेटिकली वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। तो ये एक फैसिलिटेशन बहुत अच्छा दिया है ह्यूंडई ने इस गाड़ी के साथ, क्योंकि ये गाड़ी इसके साथ भी प्रीमियमनेस जो है वो उभर कर लाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया, इसका जो ये ग्लव बॉक्स है, ये ग्लव बॉक्स दरअसल कूल ग्लव बॉक्स है, क्योंकि इसमें से आपका जो ये हवा पास होते रहता है, और ये गर्मियों के मौसम में आप इसको ठंडा भी रख सकते हो। इसमें ये आपका फ्रिजर का काम भी करेगा एक छोटा मोटा, मतलब कि आप ठंडा वगैरह कुछ भी बेवरेजेस रख सकते हो, यहाँ पे चॉकलेट्स रख सकते हो और रख के इसको ठंडा रख सकते हो, अच्छा रख सकते हो। पीछे भी दिखा देंगे उसमें क्या है। और एक सच बात बताओ, वैसे मैं तो गाड़ी चलाता हूँ हमेशा मैं उसी सीट पे बैठा रहता हूँ, और जिन्होंने भी आज तक ये पीछे वाले सीट पे बैठा है ना, मतलब मेरे दोस्त ही हो या तो कोई और इंसान, मतलब हमेशा मुझे ये कम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई तेरी गाड़ी कमाल की है, मतलब कम्फर्टनेस के लिए। ये आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा कप होल्डर के साथ, और जो रिक्लाइनिंग पोजिशन है ना इस सीट का, ये जो सीट है, स्पेस भी काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी सारा स्पेस है। और ये एसी वेंट यहाँ पे पीछे भी मिल जाएगा, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए, और कंफर्टनेस में ये अव्वल नंबर है। आइसोफिक्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, आइसोफिक्स भी आप चाइल्ड के लिए वो भी कर सकते हो, आइसोफिक्स कर सकते हो। कंफर्टनेस के मामले में ये तो अव्वल नंबर है, क्या बताऊँ मैं। फर्स्ट टाइम जब हम लोग शोरूम गए थे गाड़ी खरीदने के लिए, जब आए थे तो मैं और मेरी वाइफ जन्नत, तो हम दोनों ने पीछे बैठ के इसका मज़ा लिया था। तो अभी तो चलो, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, ये जो दरवाज़ा है ना ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा नहीं। ये देखो इसका ये साउंड देखो, आपको लगेगा नहीं कि ये हल्का गाड़ी है, बहुत ज़्यादा भारी है। सब कुछ जो मटेरियल है ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है, और इसके वजह से ना, एक सेकंड बहुत नॉइज़ हो रहा है। चलो मैं फिर से अंदर आ गया, और वैसे तो अभी घर जाना है, काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये कोई ऐड नहीं था, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था मेरी गाड़ी का, ये बस एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस था। और एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप उस गाड़ी के बारे में उस गाड़ी को एक्सपीरियंस ना कर लो, उसके इंजन को। हाँ, इंजन के बारे में बताना मैं भूल गया, ये टर्बो इंजन है, 1.0 टर्बो इंजन, मतलब कि इसका जो हॉर्स पावर निकल के आता है मोटा मोटी 100 हॉर्स पावर निकल के आता है, और सीसी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 998 सीसी का इंजन है। लेकिन टर्बो होने की वजह से, इसमें 3 सिलेंडर है, टर्बो होने की वजह से इसका जो पावर और टॉर्क आउटपुट है, टॉर्क 172 Nm है शायद, आई थिंक सो, तो ये बहुत ज़्यादा है। और जब भी आप इसको चलाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये आप कोई हल्का गाड़ी चला रहे हो, मतलब आप बस 5 नंबर गियर पे डालो और क्लच को छोड़ो और एक्सलेटर को जस्ट दबाओ, गाड़ी 80 क्रॉस, मतलब भागती बहुत ज़्यादा है। 150 तक मैंने उठाया था एक बार, तो भागती बहुत ज़्यादा है, और मतलब किसी को ओवरटेक करना हो या तो, मतलब कि आप स्मूथ राइड के लिए भी बोल सकते हो, स्मूथ राइड इज फैंटास्टिक टोटल, बहुत ही खूबसूरत सा ये कार है। और मैंने 1 साल रिव्यू लिया था इस गाड़ी को लेने से पहले। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि कहने को तो बहुत सारा कुछ है। ये एंड्रॉयड ऑटो के बारे में मैंने तो बताया नहीं, इसमें जो यूट्यूब देख सकते हो आप, इसमें जो लाइव टीवी देख सकते हो, उसके फीचर्स के बारे में तो बताया नहीं, बहुत कुछ है, आगे कभी बताऊंगा इन फ्यूचर अगर हो सके तो। तो मैंने सोचा था कि एक कुछ दे दूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए ये दे दिया। गाने सुनते रहिएगा, मेरे काफ़ी सारे गाने आपको मैंने ऑलरेडी पेश किया है, और बहुत से गाने अभी आने को भी हैं। स्टे ट्यून टू अस, लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब तो किया ही होगा इसलिए आप देख पा रहे हो। तो आज मैं ये चला के नहीं दिखाऊंगा, फिर कभी दिखाऊंगा, क्योंकि ये आज मेरे पास ये फ़ोन होल्डर नहीं है, तो ये फ़ोन वोन गिर जाएगा। तो सी या गाइस, सी यू, टेक केयर, नमस्ते, सलाम, बाय।